घनी आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि सिपारा महुली एलिवेटेड रोड जल्द ही आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कि अगस्त के महीने में इस एलिवेटेड रोड को चालू कर दिया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है जिसके कारण एलिवेटेड रोड बनाए गए थे, जिसका काम लगभग पूरा होने पर है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस एलिवेटेड रोड का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड के पहले चरण में सिपारा से महुली के बीच अगस्त से वाहनों का आगमन शुरू हो जाएगा। एलिवेटेड रोड 90% काम पूरा हो गया है, अब उस पर फिनिशिंग का काम हो रहा है। इसमें कास्टिंग के साथ एलिवेटेड रोड पर लाइट लगाई जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि अगस्त तक सभी काम पूरा होने के बाद उस पर आगमन चालू कर दिया जाएगा। इसके चालू होने से पटना के दक्षिण रहने वाले लाखों लोगों को आने जाने की सुविधा मिलेगी। सिपारा से महुली के बीच की दूरी 5 मिनट में तय होगी। मीठापुर से सिपारा के बीच दूसरे चरण में निर्माण के लिए पाइलिंग हो रहा है। मीठापुर से सिपारा के बीच 2 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनना है। इसके निर्माण में लगभग 2 साल और लगेंगे। इसके बाद मीठापुर से महुली होते हुए पुनपुन तक आने जाने की सुविधा मिलेगी। महुली से आगे पुनपुन तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है। सिपारा से महुली के बीच एलिवेटेड रोड को चालू करने के लिए भूपतिपुर के पास रैंप का निर्माण हो रहा है। 600 मीटर रैंप बनाने के लिए छोटे बड़े मिलाकर कुल 39 पायों का निर्माण हुआ है। इनमें 4 पाए तैयार हो चुके हैं। इसी रैंप से ही लोग एलिवेटेड रोड पर चढ़ेंगे। सूत्रों ने बताया है कि 4 लेन का रैंप तैयार हो गया है। इसके लिए मिट्टी भरने का काम अब पूरा हो रहा है। सिपारा गुमटी से आगे 400 मीटर का काम होना है। एलिवेटेड रोड के दोनों साइड रहने वाले लोगों को वाहनों के हॉर्न और शोर से बचाव के लिए नॉइस बैरियर लगाने का काम भी हो रहा है। 5 किलोमीटर एक नॉइस बैरियर लगेगा। विशेष किस्म की ग्लास लगाई जा रही है। इससे पुल से बाहर आवाज कम होने पर आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि बिहार और राजधानी पटना में लगातार पुल बनाने का काम चल रहा है। लोग सड़क पर निकलते हैं तो काफी ज्यादा ट्रैफिक और गाड़ियों से सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आने जाने में बड़े बड़े वाहनों को भी दिक्कत होती है। आम लोगों को सड़क पर चलने में भी परेशानी होती है और गाड़ी सड़क पर ले जाने में भी दिक्कत होती है। महुली में बन रहे एलिवेटेड रोड का जायजा लेने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे। लगभग इसका काम पूरा हो चुका है, जल्द ही आम लोगों के लिए ये रोड को चालू कर दिया जाएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।